भागलपुर के पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के दोषी दो युवक को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट में एडीजे रोहित शंकर के द्वारा यह सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि सबौर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और आरोपियों के द्वारा नाबालिग का वीडियो बना लिया गया था। आरोपियों के द्वारा नाबालिग को वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद नाबालिग ने आत्महत्या कर लिया था, जिसके बाद पीड़िता ने के परिजनों ने 2017 में सबौर थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में 6 लोगों ने लड़की के पक्ष में गवाही भी दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे ने 21 दिसंबर 2020 को आरोपी रोहित कुमार और मृत्युंजय कुमार को दोषी ठहराया था और आज सजा के बिंदु पर फैसला देते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के आर्थिक दंड लगाया है, जो कि पीड़िता के परिजन को दिया जाएगा। साथ ही लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि 5,00,000 रुपया सरकार के द्वारा भी पीड़िता के परिजन को दिया जाएगा। बिहार न्यूज प्रतिदिन के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। न्यायालय में 6th एडीजे सर के यहाँ सजा के बिंदु पर थी, जो FIR सबौर थाना में हुआ था 11/10/17 को। एक बच्ची जो है सुसाइड कर ली थी, उसका कारण था कि उसे दो लड़का वो मोटरसाइकिल पर बैठा करके कोई अर्धनिर्मित मकान था तिलका मांझी में, वहाँ लाके उसके साथ रेप किया था और उसका बारी बारी से वो वीडियो भी बनाया था और उसको धमकी दिया था कि अगर तुम कहीं कुछ बताओगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। इस कारण वो बच्ची वो घर पर तो जा करके वो सुसाइड कर दी थी। उसी केस में 21/12/2020 को दो अभियुक्त को दोषी पाया गया था पॉक्सो की धारा में और 336 में भी। उसे आज सजा के बिंदु पर थी, जिसमें दोनों अभियुक्त को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है और दोनों को 25,000 रुपया दंड भी लगाया गया है, जो विक्टिम को पे किया जाएगा और 5,00,000 रुपया मृतक के परिवार को माँ और पिताजी के नाम से सरकार की ओर से देने के लिए आदेश दिया गया। मैं शंकर जयकिशन मंडल विशेष लड़के।